जो टैलेंट च बीट नहीं होंगे फिर इल्जाम लगते हैं मित्रों। ये दुनियादारी बड़ी गंदी चीज़ है। वो कहते नहीं होंगे जे बराबरी ना हो सके तो बदनामी शुरू कर दो। Hello family members and welcome back to my channel. It's me Aguca once again and first of all don't forget to subscribe my channel. सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो राम राम सभी करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। सो गाइस आज का ये ब्लॉग होने जा रहा है कुछ एक टॉपिक के ऊपर जो कि है ये चिन माउंट और ये टेपिंग मतलब 3M वाला चिन माउंट, ठीक है। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा बढ़िया है, मेरा ओपिनियन क्या है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ चीज़ को कि आप लोगों को भाई क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए और कौन सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा इन दोनों से चिन माउंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। सो गाइस मेरे पास हैं ये दोनों के दोनों एक्शन प्रो के ही चिन माउंट हैं। ये स्टिप वाला है और ये 3M टेप वाला है, ठीक है। और मैं आप दोनों के फ़ायदे और नुकसान दोनों बताने वाला हूँ भाई, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस वाले ब्लॉग भाई पूरा देखना और वीडियो को स्किप मत करना भाई बिल्कुल भी, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं भाई इस स्ट्रिप वाले चिन माउंट की। और इसको इंस्टॉल करना इजी तो है बट इसको इंस्टॉल करने में ना यार दिक्कतें भी आती हैं काफ़ी, ठीक है। जैसे अपना मेरा ये एग्जोर का हेलमेट है, ठीक है, जब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ ना तो इसकी ये जो कुशन होता है ना एयर को जो रोकता है विंड नॉइस कैंसिलेशन करने के लिए, तो भाई इसको हटाना पड़ता है लगाने के लिए। ये जो चिन माउंट है इसको लगाने के लिए ये चीज़ निकालनी पड़ती है। जब ये चीज़ निकलती है तो जब बाइक चलती है ना, चाहे हाई स्पीड में चले चाहे नॉर्मल चले, तो भाई यहाँ से हवा एकदम अंदर की तरफ घुसती है। तो जो भी माइक है अपना वो यहीं लगा रहता है, क्योंकि मेरा माइक जो है वो यहीं पर लगा हुआ है। यहाँ देख लो मेरा जो माइक है वो यहीं लगा हुआ है। तो नीचे से जैसे हवा आती है ना तो वो डायरेक्ट यहीं पे हिट करती है आगे। तो उससे क्या होता है कि भाई अपना जो वीडियो में वॉइस आती है भाई वो बहुत ज़्यादा नॉइस करने लग जाता है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं इरिटेटिंग होता है और अच्छा भी नहीं लगता उस चीज़ को ना सुनने में भी, और उसको कहीं ना कहीं नॉइस कैंसिलेशन करने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। और इसका नुकसान यही है कि भाई ये हिलता रहता है, आप इसको बार बार टाइट करते रहोगे, फिर लगाना फिर निकालना टाइट करना, ठीक है। और फ़ायदा इसका एक ही है कि भाई आपके ये हेलमेट के ऊपर कोई निशान नहीं डालेगा ये, ठीक है। जब मन चाहे तब निकाल लो, जब मन चाहे तब लगा लो इसको, ठीक है। तो ये तो होगी भाई इस वाले चिन माउंट की बात है। तो भाई ये तो रही भाई अपने स्ट्रिप वाले चिन माउंट की बात। और ये आ जाता है अपना भाई दूसरा एक्शन प्रो का। ये दोनों एक्शन प्रो के ही हैं बट ये क्या है ये 3M वाला 3M टेप के साथ आता है। तो ये ना भाई डायरेक्ट चिपक जाता है यहाँ पे, तो मैं आज इसको चिपकाता हूँ और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, फिर इसका फ़ायदा भी दिखाता हूँ, फ़ायदा भी बताता हूँ और नुकसान भी बताता हूँ। इस चीज़ का क्या होता है नुकसान भी है इसका, ठीक है, जिसका फ़ायदा होता है उसका नुकसान भी होता है। सो गाइस ये है भाई चिन माउंट, ठीक है, 3M वाला जो कि मैंने लगा दिया इस पर। अब इसका फ़ायदा बताता हूँ भाई मैं, ठीक है। फ़ायदा इसका ये है कि इसके साथ आप लोग भाई इसका जो यहाँ पर कवर आता है ना वो भी लगा सकते हो साथ के साथ, ठीक है। उससे क्या होगा भाई विंड नॉइस नहीं जाएगी इसके अंदर। उससे क्या होगा भाई कि इसके अंदर हेलमेट के अंदर ना विंड नहीं जाएगी, और विंड नहीं जाएगी तो भाई नॉइस भी कम आएगी इसमें, और नॉइस कैंसिलेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, बढ़ जाएगा। वॉइस भी मेरी वॉइस भी बाइक चलाते टाइम काफ़ी अच्छी आएगी। अगर जैसे मैं नॉर्मल वाला अपना जो स्ट्रिप वाला जो चिन माउंट है जब मैं उसको लगा के चलाता हूँ ना बाइक को, जैसे अगर मैं 80 पे चल रहा हूँ मैं, तो बाइक वॉइस जो होगी भाई थोड़ी बहुत शेक करती है। जैसे 80+ जाता हूँ, 100 जाता हूँ, 120 जाता हूँ मैं, तो भाई वॉइस ना मतलब ऐसी आती है ना जैसे कुछ पिन सी लग रही है फिर माइक को हिला रहा हो, तो इस टाइप की वॉइस आती है उसमें। तो वो ना काफ़ी इरिटेटिंग लगती है। जब मैं खुद भी वीडियो एडिट करता हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं वो अच्छी नहीं लगती, तो मैं समझ सकता हूँ भाई आप लोगों को जब मुझे नहीं अच्छी लग रही तो आप लोगों को कहाँ से ही अच्छी लगेगी, ठीक है। तो उसके करके मैंने ये जो अपना चिन माउंट है भाई ये मैंने अपडेट कराया इसको, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या है कि भाई आप लोग भाई इसका जो ये है ना हेलमेट का ये लगा सकते हो, ठीक है, और वॉइस अच्छी आ जाएगी आपकी इसमें। बस ये क्या है कि अगर आपने एक बार इसको चिपका दिया ना, या एक बार आपने अगर इसको चिपका दिया तो भाई ये दोबारा निकाल नहीं सकते। आपने दोबारा निकालना समझ लो आपके हेलमेट का पेंट चला जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ स्क्रैचेस छोड़ देगा वहाँ पे, नुकसान हो सकता है इस चीज़ से, ठीक है। तो ये मैं रेकमेंड करूँगा कि भाई अगर आप लोग भाई अपडेट करना चाहते हो चिन माउंट से, स्ट्रिपिंग वाले चिन माउंट से 3M वाले पे आने पर, तो भाई आप लोग भाई नो डाउट भाई ज़रूर आना भाई इसके ऊपर, क्योंकि ये बढ़िया रहता है और ये हिलता भी नहीं है, ठीक है, एकदम प्रॉपर हो जाता है ये, ठीक है। तो प्रॉपर होने से क्या होता है कि भाई अपना जो GoPro होगा वो भी नहीं शेक करेगा, ठीक है, और वीडियो काफ़ी स्टेबल बनेगी अपनी और वॉइस भी काफ़ी अच्छी आएगी। अगर आने वाले एक दो ब्लॉग में मेरी वॉइस आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई वो वाली वॉइस कैसी लग रही है आप लोगों को, ठीक है। तो मैं पर GoPro फिट करता हूँ इसके अंदर, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। सो गाइस चेकआउट करो भाई, ये अब GoPro भी लगा के रख दिया मैंने। सो गाइस GoPro वगैरह भी लगा रखा भाई, चेकआउट करो भाई कितना प्यारा लग रहा है ना अभी अपना हेलमेट, एकदम बढ़िया। और ये और हेलमेट के नीचे की जो अपनी पैडिंग होती है जिसमें अपनी नॉइज़ कैंसिलेशन होता है, वो भी मैंने लगा दिया इसमें, तो भाई काफ़ी बढ़िया होगा। अब एक बार राइड करके देखेंगे हम लोग और एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं आप लोगों को भाई कैसा लग रहा है ये, ठीक है। तो गाइस ये था मेरा ओपिनियन, और आप लोगों का ओपिनियन जो भी है भाई वो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताना, ज़रूर बताना भाई कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग भी कैसा और लगा और ये वाली इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप लोगों को। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना भाई आप लोगों के, भाई एक एक कमेंट और लाइक से भाई मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। और मैं सबके कमेंट वगैरह पढ़ता भी हूँ, हालांकि जो भी जिनके भी जितने को भी कमेंट आते हैं मैं सबके पढ़ता हूँ भाई, ठीक है। रिप्लाई भी कर देता हूँ टाइम से, ठीक है। और ये वाला ब्लॉग भाई करते हैं फिर यहीं पे एंड, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लेते हैं। जय श्री राम, जय भारत।